हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज का जो हमारा टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है आठवां दिन में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लीवर एंड सिंपल मशीन टॉपिक पर, मोस्ट 50 MCQ। आप जरा ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको आंसर भी मिल सके और उसका भी PDF लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरू करने पहले मेरे चैनल को अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी टाइप का वीडियो और जब भी मैं अपलोड करा दूंगा आपका पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, देख लीजिए क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 11 चैप्टर आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन आपका इसी सब्जेक्ट पर बन सकते हैं। देखिए, ये हमारा आठवां लेक्चर है, यानी और 7 लेक्चर हम लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रख चुके हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिए एक एक बार। और एक बात, जब जो स्टूडेंट हमारे साथ MCQ लगा रखा है, आप लोग जरूर मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना सही कितना गलत कर रहे हो। चलिए शुरू करने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर इज ए डैश। ठीक है, जो लीवर वगैरह, लीवर यानी सिंपल मशीन, ये है चैप्टर है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लीवर कितना टाइप है, लीवर 3 टाइप का लीवर है, और सिंपल मशीन कितना है, 6 टाइप का सिंपल मशीन लीवर है, L3 मशीन M6। ठीक है, उसको भी आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, L3 M6 और 2-4 बार बोल दीजिए, आपका याद हो जाएगा। लीवर मतलब 3 टाइप का लीवर, मशीन मतलब 6 टाइप मशीन। ठीक है, ये पूछे जाए, आपको भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ छूटना मत। ठीक है, देख लीजिए उसका जो 1 का जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्रू। स्क्रू किसका एग्जांपल है, या तो एक्स, या तो हैमर, या तो स्पाइरल स्ट्रेस, या तो नाइफ। उसका जो सही आंसर है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्क्रू किस टाइप का है, स्पाइरल। आप लोग भी अच्छी तरह से, आपको भी दिमाग से भी आप लोग एक एक क्वेश्चन जरूर कर सके। ठीक है, आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग पढ़ के जाइए, सभी क्वेश्चन आप लोग को 90% आप लोग कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप लोग का जो मेरिट बन सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंप्स ए वेज एंड ए स्क्रू आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डैश। आप लोग उसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए फोर्स मल्टीप्लायर ए सिंपल मशीन डैट मल्टीप्लाइज यू इज डैश। उसका जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एफर्ट। और एक इक्वेशन आपको याद कीजिए, MA यानी मैकेनिकल एडवांस इज इक्वल टू लोड बटे एफर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए लीवर टू बी ए फर्स्ट क्लास लीवर, द फल्क्रम नीड टू बी डैश। उसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन द लोड एंड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हिच सिंपल मशीन इज ए इंक्लाइंड प्लेन वार्प्ड अराउंड ए सिलेंडर। उसका जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, स्क्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर आर डिवाइडेड इनटू डैश क्लास बेस्ड ऑन ए लोकेशन फल्क्रम डैट इनपुट एंड आउटपुट फोर्स। आप लोग तो मैं कह चुकी हैं L3 M6, उसको भी ये क्या दे रखा है, लीवर यानी 3 बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लीवर 3 टाइप क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ द फल्क्रम इज क्लोजर द एफर्ट इट विल टेक डैश। उसका जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मोर इफेक्ट टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफर्ट इज ए डैश। आप लोग जानते होंगे सिंपल मशीन पर जो भी फोर्स अप्लाई कर सके उसको भी बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, यह हमारा फल्क्रम, वहाँ पे एक लोड है, उसका जो
फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको बोलते हैं एफर्ट, ठीक है। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, द फोर्स अप्लाइड टू ए सिंपल मशीन इज कॉल्ड एफर्ट, एफर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल मशीन। हमारा जो सिंपल मशीन किस टाइप, कितना टाइप है, एस सिक्स, ठीक है, एल थ्री, आप लोग सभी लोग जानते होंगे एक्स सिक्स यानी सिक्स टाइप का, ऑप्शन नंबर सी हमारा। उसमें जो एक सिंपल मशीन है क्या है, इंक्लाइन प्लेन एंड लीवर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए लीवर और पुली कनेक्टेड टू ए शाफ्ट। उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सिल एंड व्हील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्लास लीवर गिव ए स्पीड एडवांटेज बिकॉज दे, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द मूव लोड थ्रू ए डिस्टेंस देन इफर्ट मूव्स सेम टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लाइंड प्लेन। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शोवेल, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को एक एक करके लाइक कीजिए कि मेरा वीडियो और ज़्यादा यूट्यूब पर रैंक कर सके और कुछ स्टूडेंट को मेरे वीडियो को देखने को मदद मिल सके। चाहे तो कोई स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप या फेसबुक पर शेयर ज़रूर किया करो, ताकि आपकी भी खुद पढ़ाई कीजिए और दोस्तों की भी मदद करो। आप तो स्टूडेंट हो ना, आप ज़रूर इसे बात को भी समझ सकते हो। प्लीज़ एक एक करके लाइक करें, आज का हमारा जो टारगेट है यानी 10 लाइक, ठीक है। इतना नहीं, मेरे चैनल को तो बहुत बार विजिट कर रहे हो यानी इतना सब्सक्राइब कर रखा है, लगभग 10 लाइक मेरे को चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद मदद कर सको, और मेरा भी एक सपना है आपको भी मदद करूँगा, ठीक है। इसीलिए मैं 11 चैप्टर वहाँ पर चल रहा है और कुछ कुछ भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए फेरिस व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ सिंपल मशीन। देख लीजिए उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, व्हील एंड एक्सिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल मशीन। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए पेयर ऑफ सीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मशीन क्रोबार रैम्प एक्स क्रू एंड क्रेन डू व्हिच द फॉलोइंग। सिंपल मशीन का जो मतलब क्या है, ऑब्वियसली आप लोग सभी लोग जानते होंगे, रिड्यूस द फोर्स नीडेड द मूव ऑब्जेक्ट एंड ओवर द डिस्टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रैम्प इज ए सिंपल इंक्लाइन प्लेन दैट अलाउ वन टू अप्लाई एन इनपुट फोर्स डैश द आउटपुट फोर्स। सभी लोग जानते हैं ये लेस देन द आउटपुट फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए व्हील एंड एक्सिल। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्ड क्लास लीवर। उसका जो सही आंसर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सही है, ए हैंड हेल्ड बोट पैडल, ठीक है, यह है थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, व्हील बेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए वेज इज मॉडिफाइड। उसका जो सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए पेयर ऑफ ट्विजर। ट्विजर का जो पेयर है वो ये कौन सा है, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, एक कंपाउंड मशीन मेड ऑफ टू थर्ड क्लास लीवर, ठीक है, ये थर्ड क्लास लीवर कह सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और, व्हाट आर द टू फैमिलीज ऑफ सिंपल मशीन। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इंक्लाइंड प्लेन एंड लीवर,
ये टू फैमिली ऑफ सिंपल मशीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फर्स्ट क्लास लीवर हैज द डैश, आप सभी लोग जानते होंगे फर्स्ट क्लास लीवर का एक एक लोड है और एक एफर्ट है और मिडिल में क्या है, फुलक्रम है, ठीक है। ये बोलते हैं ये क्वेश्चन, ए फर्स्ट क्लास लीवर हैज डैश, उसका जो सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, फुलक्रम मिडिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बॉटल ओपनर बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ द लीवर, उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, रेजिस्टेंस इन द मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेज, वेज का जो एग्जाम्पल है क्या है, उसका जो सही आंसर है आप लोग देख लीजिए, बटर नाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ सम यूजिंग ए सिंपल मशीन टू डू वर्क, आप लोग देख लीजिए, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए मदर पुश ए स्ट्रॉलर ऑफ रैंप इनटू ए बिल्डिंग, ठीक है। ये है मशीन वर्क का, सिंपल मशीन वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच टाइप ऑफ सिंपल मशीन वुड बी फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ ए वागन, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, व्हील एंड एक्सिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंपल मशीन, सिंपल मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये फ्यू और नो मूविंग पार्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्क्रू इज मेड ऑफ डैश वार्प्ड अराउंड पोस्ट और ए रॉड, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टू पार्ट माइट मेक ए पुली, कौन सा दो पार्ट मिलके पुली बना सकते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, व्हील एंड वायर, ये है व्हील एंड एक वायर वहाँ पे लगा दीजिए, उसको एक दीवार पर लटका दीजिए, वहाँ वही होगा ना पुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मशीन कन्वर्ट मोशन इन वन डायरेक्शन इनटू स्प्लिटिंग मोशन एक्टिंग एट द राइट एंगल, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्प्लकिंग सरफेस डैट अल्टर द फोर्स रिक्वायर्ड टू ए मूव द लोड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन आर्म डैट पाइवट ऑन ए पॉइंट कॉल्ड इज फल्क्रम, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसको लीवर बोल सकते हैं, ठीक है। लीवर कितना टाइप, L3 M6, मैं बार बार आपको याद करा दूंगा, ठीक है, L3 M6 मशीन नंबर 6 लीवर 3, ठीक है। कितना टाइप को जो बोलेंगे, जो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, मशीन कितना टाइप है आप लोग जानते होंगे, 6 टाइप का, लीवर कितना टाइप है, 3 टाइप का, ये बार बार देखने को मिल सके आप लोग का, ये घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकें उसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ए रोप और केबल इज वार्प्ड ओवर ए ग्रुप्ड व्हील इट इज कॉल्ड डैश, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे एक डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पुली, यानी एक केबल या रोप और व्हील, एक व्हील उसका एक केबल, उसको क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं ना, ठीक है। आप लोग दिमाग से भी, आप लोग अच्छी तरह से उसको समझिए, और दिमाग से भी एक और दो क्वेश्चन में बार बार कहलाते हूँ कर सके आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिफ्टिंग ए व्हील ब्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज इज यूज्ड फॉर सिंपल मशीन, सभी लोग जानते होंगे, उसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। द यूज ऑफ ए डोर स्टॉप बेस्ट इंसुलेटर द यूज ऑफ व्हिच सिंपल मशीन, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ सिंपल मशीन आर देयर, ये है ना, ये क्वेश्चन आ गया, M3
L3 M6, ठीक है। ये बोला है क्या, सिंपल मशीन कितना टाइप, M6 टाइप का जो बोला जाएगा। यदि बोला जाएगा लेबल लीवर कितना टाइप है, आप लोग 3 टाइप का दे रखा है, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत होना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि उसका उसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज एन इंक्लाइन प्लेन वार्प अराउंड पोल। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एन एक्स एंड ए चिजेल आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेज, ठीक है। एक्स एंड ए चिजेल, ये किस टाइप का सिंपल मशीन, वेज का, ठीक है। कितना टाइप सिंपल मशीन है आप लोग का मालूम होगा, L3 M6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हुई ग्रीक फिलोसोफर इज क्रेडिट विथ फास्ट डिस्कवरिंग एंड डिस्क्राइबिंग सिंपल मशीन। उसका जो सही आंसर है आप लोग जानती होंगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, आर्कमेडिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल मशीन डैट एक्चुअली ऑफ एक्चुअली ए काइंड ऑन इंक्लाइन प्लेन इज डैश। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, वेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए कंपाउंड मशीन इज डिटरमाइंड बाय। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, मल्टीप्लाइंग द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर इज सिंपल मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ए पुली सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्ट्रैंड होल्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्रू ड्राइवर कैन यूज टू ओपन ए कैन ऑफ ए पेंट इन ए सिचुएशन द स्क्रू ड्राइवर इज बींग यूज डैश। उसका जो सही आंसर सी हमारा सही है, लीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हुइच टाइप ऑफ लीवर ऑलवेज रिड्यूस द फोर्स अप्लाइड। का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, लीवर ऑन सेकेंड ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ए वायर कटर इज एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ए लीवर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, मशीन रिक्वायर्ड प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है, फॉर देयर एफिशिएंस एंड लॉन्गर यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, द व्हील बारो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, आप लोग करी। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ए पुली इज एग्जाम्पल मशीन यूज टू डैश। उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाई फोर्स इन ए कॉन्विनेशन कॉन्वीनियंट डिरेक्शन, ठीक है। ए पर्टिकुलर डिरेक्शन पर अप्लाइंग कर सके क्या फोर्स को, उसको बोलते हैं पुली इज ए सिंपल मशीन। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 50 MCQ वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। उसका जो टॉपिक था आज का, सिंपल लीवर एंड सिंपल मशीन का टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप लोग को अच्छी तरह से याद करके जाइए। और मेरे साथ भी कोई कुछ स्टूडेंट जो MCQ लगा रखा है, आपको निवेदन, कितना सही कितना गलत मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दिल से मैं कहता हूँ तो अच्छा लगा तो एक एक करके लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक करने के लिए कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ये अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ एंड सेफ्टी का टॉपिक। आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।